नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मेरा पानी मेरी विरासत योजना को प्रभावी रूप से लागू करवाने की कवायद में लगे प्रशासनिक अधिकारियों ने अब किसानों का मन भावन में लगे हैं। सरकारी आदेशों के खिलाफ मुखर हुए किसानों का रुख और उनको देखते हुए सरकार के आदेशों को वापस तो ले लिया गया, मगर किसानों को धान की बजाय कम पानी वाली फसलें लगाने के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य को लेकर के प्रशासन किसान गोष्ठियां आयोजित कर रहा है। वहीं फतेहाबाद के रतिया में आज किसान गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। गोष्ठी में कृषि वैज्ञानिकों के अलावा बागवानी विभाग, मछली पालन विभाग के एक्सपर्ट ने भाग लिया और किसानों को वैकल्पिक खेती के प्रति जागरूक किया। विभाग के अधिकारियों ने आज इलाके में भूजल स्तर खतरनाक तरीके से नीचे जा रहा है, इसके लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसलिए पानी जैसी विरासत को संजो करके रखने की ज़रूरत है। किसानों के सहयोग से उन्होंने अपील करते हुए अधिकारियों ने उन्हें धान की बजाय अन्य वैकल्पिक फसलें लगाने के लिए सलाह देने के साथ साथ सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। आप देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। आज का क्या प्रोग्राम है जी? ये आज किसान गोष्ठी रखी गई है स्पेशल रतिया ब्लॉक के लिए, जिसको मेरा पानी मेरी विरासत के तहत चयन किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। और इसमें पीछे हमारे जो नोडल इंचार्ज हैं आई एस संजीव वर्मा जी, परसों वो भी आए थे, उन्होंने भी संदेश दिया था किसानों को। और अभी उपायुक्त महोदय के आदेश पे हमें आज रतिया और कल 5 तारीख को ढोणा और 10 तारीख को फतेहाबाद में किसान गोष्ठी के लिए निर्देश हुए हैं कि जो मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम जो किसानों के लिए और पानी बचाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसमें जो पीछे किसानों का थोड़ा विरोध हुआ और जो मैसेज गया कि उसमें उनको क्लियर करने के लिए एक गोष्ठी लगाई गई है कि हम जो है ना किसानों को सलाह दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं और उनको जिसमें डायरेक्शन दे रहे हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। किसान को ये हम सलाह दे रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे राय ले रहे हैं और हम अपनी राय दे रहे हैं कि आप किसान सभी भाइयों को कि आप पानी बचाएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमारी जो अमूल्य धरोहर है पानी वो बचा रहे। तो आज का जो यहाँ पे कृषि वैज्ञानिक भी आए हुए हैं केवीके से, बागवानी विभाग से भी आए हुए हैं और दूसरे जो मछली पालन विभाग से आए हुए हैं, एसडीएम साहब भी आने वाले हैं, कृषि निदेशक भी आने वाले हैं। आज का मेन जो मुद्दा है वो मेरा पानी मेरी विरासत में किसानों को प्रेरणा और सलाह दी जाती है, निर्देश की बजाय सलाह दी जा रही है कि आप जो है ना धान और जिस पानी ज़्यादा लगने वाली फसलों की बजाय आप बागवानी पे, सब्जी पे और दूसरी अन्य फसलें जिसमें पानी कम लगता है उस पर जाएँ, जिससे कि यह अमूल्य धरोहर का बचाव हो सके। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत जिन किसानों ने समर्थन दिया है उनको क्या लाभ मिलेगा? इसमें लगभग हमारे यहाँ 1200-1300 एकड़ में, खासकर रतिया ब्लॉक में, किसानों ने वॉलेंटरली बढ़ चढ़ के भाग लिया है और उन्होंने कहा है, हमें आश्वासन दिया है और लगाया भी है। धान की जगह कपास में गए हैं, कुछ लोग मक्का में जाएंगे, कुछ लोग सब्जी और बाग में भी गए हैं। उनको 7000 रुपये पर एकड़ किसान को इससे दिया जाएगा। उसके लिए किसान को एक हमारी जो है ना सलाह भी है और उसके लिए ज़रूरी भी है कि वो हमारे पोर्टल है उस पर जाके वो किसान अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। हमारे कर्मचारी गांव-गांव गए हैं, उनके फार्म भरवाए गए हैं,
उसके बाद भी कोई बच जाता है तो आपके जो CSC सेंटर हैं गाँव में और दूसरे जो सीधे डायरेक्ट आप मोबाइल फ़ोन से नेट पे भी जो पोर्टल है उस पे जाके आप जो है ना हमारा इस पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके लिए आधार नंबर और बैंक की पासबुक ये अपलोड कर दीजिएगा और आने वाले टाइम में जब उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, जैसे ही वो लगाएगा उसके तुरंत बाद वेरिफिकेशन होते 2000 रुपये और उसकी मेच्योरिटी स्टेज पे हार्वेस्टिंग पे 5000 रुपये, उसको टोटल 7000 रुपये का बेनिफिट दिया जाएगा। कितने प्रतिशत किसानों ने पंजीकरण करा लिया अभी? अभी पूरे अगर ज़िले की बात करूँ तो लगभग 9000 एकड़ हो गया है और रतिया की बात करूँ तो लगभग 1200-1300 एकड़ हो गया है। यहाँ मतलब सैकड़ों किसानों ने, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हज़ारों ने, यहाँ भी सैकड़ों किसानों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। क्या नाम है जी आपका? मैं भीम सिंह कुलड़िया, ST एग्रीकल्चर फतेहगढ़। ठीक।